तक आपने गाड़ी चोर, ज्वेलरी चोर और ना जाने कितने चोरों के बारे में सुना होगा। आज हम जिन चोरों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उनके कारनामे जान आप भी सोच में पड़ जाएंगे। इन चोरों को किसी की सोने चांदी और पैसे से कोई मतलब नहीं है। चोरी करते हैं तो सिर्फ लड़कियों के अंडर गारमेंट्स। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सदर बाजार क्षेत्र में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो लड़कियों के अंडर गारमेंट्स चोरी कर रहे हैं। लोगों ने गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर रविवार को हंगामा किया। इसके अलावा पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध करवाई है, जिसमें स्कूटी सवार दो युवक लड़कियों के अंडर गारमेंट्स चुराते नजर आ रहे हैं। सदर बाजार क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बीते एक सप्ताह से कुछ युवक लड़कियों के अंडर गारमेंट्स चुरा रहे हैं। गिरोह के दो सदस्य सीसीटीवी में कैद हो गए। ये युवक स्कूटी पर आए, इनमें से एक युवक टोपी लगाकर आगे चला जाता है और दूसरा युवक पास ही में सूखने के लिए पड़े एक व्यापारी की बेटी के अंडर गारमेंट चुराकर जेब में रखकर फरार हो जाता है। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि हिंदू मोहल्ले में लड़कियों के अंडर गारमेंट चोरी किए जाने के पीछे तंत्र मंत्र का चक्कर है। लोग इस बात को लेकर और डरे सहमे हुए हैं कि कहीं तंत्र मंत्र के जरिए उनकी बेटियों को वश में करने के लिए कोई जादू टोना तो नहीं किया जा रहा है। लोगों ने इसकी पुलिस को लिखित में शिकायत दी है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सुनील दुआ मेरा नाम है। ये बच्ची हमारे बाजार की, हमारे भाई की बच्ची है, दोस्त की। तो इस यहाँ पर एक मस्जिद की जगह, जहाँ ये मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है। नमाज पढ़ना कोई गुनाह नहीं, नमाज पढ़ें बहुत अच्छी बात है। मंदिर गुरुद्वारों की तरह जैसे मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो बच्ची की कुछ ऐसी चीज़ें एक तार से उतारी, अंडर गारमेंट उतार के और अपनी डिक्की में रख के ले जा रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में है। और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरे मुद्दे की तरह इशारा कर रहा है, तंत्र मंत्र की तरह। तो मेरी इधर मैंने इनको तहरीर और एप्लीकेशन दिया है, रिपोर्ट दी है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। कैसे कैसे वो काम करते थे, किस तरीके से? ये थाना सदर क्षेत्र में सूचना मिली कि एक घर में कुछ दो लोगों द्वारा अंडरगारमेंट्स की, वस्त्रों की लूट कारित की गई है। इस संबंध में इसमें FIR दर्ज कराई गई है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और उसे पूछताछ जारी है।